यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 13। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 13। यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य के संतान, इस्राएल के जो भविष्यवक्ता अपने ही मन से भविष्यवाणी करते हैं उनके विरुद्ध भविष्यवाणी करके तू कह, यहोवा का वचन सुनो, प्रभु यहोवा यो कहता है, हाय उन मूढ़ भविष्यवक्ताओं पर जो अपनी ही आत्मा के पीछे भटक जाते हैं और कुछ दर्शन नहीं पाया। हे इस्राएल, तेरे भविष्यवक्ता खंडहरों में लुमड़ियों के समान बन गए हैं। तुमने नाकों में चढ़कर इस्राएल के घराने के लिए भीत नहीं सुधारी, जिससे वे यहोवा के दिन युद्ध में स्थिर रह सकते। वे लोग जो कहते हैं यहोवा की यह वाणी है, उन्होंने भावी का व्यर्थ और झूठा दावा किया है, और तब भी यह आशा दिलाई कि यहोवा यह वचन पूरा करेगा, तो भी यहोवा ने उन्हें नहीं भेजा। क्या तुम्हारा दर्शन झूठा नहीं, और क्या तुम झूठमूठ भावी नहीं कहते? तुम कहते हो कि यहोवा की यह वाणी है, परंतु मैंने कुछ नहीं कहा है। इस कारण प्रभु यहोवा तुमसे यो कहता है, तुमने जो व्यर्थ बात कही है और झूठे दर्शन देखे हैं, इसलिए मैं तुम्हारे विरुद्ध हूं। प्रभु यहोवा की यही वाणी है, जो भविष्यवक्ता झूठे दर्शन देखते और झूठमूठ भावी कहते हैं, मेरा हाथ उनके विरुद्ध होगा और वे मेरी प्रजा की गोष्ठी में भागी न होंगे, न उनके नाम इस्राएल की नामावली में लिखे जाएंगे और न वे इस्राएल के देश में प्रवेश करने पाएंगे। इससे तुम लोग जान लोगे कि मैं प्रभु यहोवा हूं, क्योंकि हां क्योंकि उन्होंने शांति है ऐसा कहकर मेरी प्रजा को बहकाया है, जबकि शांति नहीं है, और इसलिए कि जब कोई भीत बनाता है तब वे उसकी कच्ची लेसाई करते हैं। उन कच्ची लेसाई करने वाले से कह कि वह गिर जाएगी, क्योंकि बड़े जोर की वर्षा होगी और बड़े बड़े ओले भी गिरेंगे और प्रचंड आंधी उसे गिराएगी। सो जब भीत गिर जाएगी तब क्या लोग तुमसे यह न कहेगी कि जो पोतना तुमने किया, जो लेसाई तुमने की, वह कहां रही? इस कारण प्रभु यहोवा तुमसे यो कहता है, मैं जलकर उसको प्रचंड आंधी के द्वारा गिराऊंगा और मेरे कोप से भारी वर्षा होगी और मेरी जलजलाहट से बड़े बड़े ओले गिरेंगे कि भीत को नाश करे। इस रीति जिस भीत पर तुमने कच्ची लेसाई की है मैं उसे ढा दूंगा, बरन मिट्टी में मिलाऊंगा और उसकी नेव खुल जाएगी, और जब वह गिरेगी तब तुम भी उसके नीचे दबकर नाश होगे और तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूं। इस रीति मैं भीत और उसकी कच्ची लेसाई करने वाले दोनों पर अपनी जलजलाहट पूर्ण रीति से भड़काऊंगा। फिर तुमसे कहूंगा, न तो भीत रही और न उनके लेसने वाले रहे, अर्थात इस्राएल के वे भविष्यवक्ता जो यरूशलेम के विषय में भविष्यवाणी करते और उनकी शांति का दर्शन बताते थे, परंतु प्रभु यहोवा की यह वाणी है कि शांति है ही नहीं। फिर हे मनुष्य के संतान, तू अपने लोगों की स्त्रियों से विमुख होकर जो अपने ही मन से भविष्यवाणी करती है उनके विरुद्ध भविष्यवाणी करके कह, प्रभु यहोवा यो कहता है, जो स्त्रियां हाथ के सब जोड़ों के लिए तकिया सीती और प्राणियों का अहेर करने को सब प्रकार के मनुष्यों की आंख ढांपने के लिए कपड़े बनाती है, उन पर हाय। क्या तुम मेरी प्रजा के प्राणों का अहेर करके अपने निज प्राण बचा सकोगी? तुमने तो मुट्ठी मुट्ठी भर जव और रोटी के टुकड़ों के बदले मुझे मेरी प्रजा की दृष्टि में अपवित्र ठहराकर और अपनी उन झूठी बातों के द्वारा जो मेरी प्रजा के लोग तुमसे सुनते हैं, जो नाश के योग्य न थे उनको मार डाला और जो बचने के योग्य न थे उनके प्राणों को बचा रखा है। इस कारण प्रभु यहोवा तुमसे यो कहता है, देखो मैं तुम्हारे उन तकियों के विरुद्ध हूं जिनके द्वारा तुम प्राणों का अहेर करती हो, इसलिए जिन्हें तुम अहेर कर करके उड़ाती हो उनको मैं तुम्हारी बाह पर से छीनकर
उनको छुड़ा दूंगा। मैं तुम्हारे सिर के बुरके को फाड़कर अपनी प्रजा के लोगों को तुम्हारे हाथ से छुड़ाऊंगा और आगे को वे तुम्हारे वश में न रहेंगे कि तुम उनका आहेर कर सको। तब तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूं। तुमने जो झूठ कहकर धर्मी के मन को उदास किया है, यद्यपि मैंने उसको उदास करना नहीं चाहा, और तुमने दुष्ट जन को हियाव बंधाया है ताकि वह अपने बुरे मार्ग से न फिरे और जीवित रहे। इस कारण तुम फिर न तो झूठा दर्शन दिखाओ और न भावी कहोगे, क्योंकि मैं अपनी प्रजा को तुम्हारे हाथ से छुड़ाऊंगा। तब तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूं।